वीडियो शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन वर्कर्स और इंजीनियर्स को जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स को अंजाम दे रहे हैं, और इस वीडियो के शूट के दौरान मैंने ये फील किया है। तो अगर आप भी सेम फील करते हैं तो कॉमेंट पे #respect ज़रूर लिखिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे या समृद्धि महामार्ग की लास्ट अपडेट पर हमने देखा था पैकेज 13 का प्रोग्रेस, और पैकेज 14 की बात करें तो वो भी पूरा तैयार है इनॉग्रेशन के लिए। लेकिन आज तक हमने कभी भी पैकेज 15 को कवर नहीं किया इस चैनल पे। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास कोई पुराने वीडियोस नहीं है, तो पहली बार हम इस पैकेज का प्रोग्रेस देखने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचाने में हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और आपके इस छोटे से स्टेप से हमें काफ़ी हेल्प होती है। और एक चीज़ जो हम हर वीडियो में अभी कंटिन्यू करने वाले हैं, जी हाँ, आज से हर एक वीडियो में हम आपके सवालों का जवाब वीडियो के आखिर में देने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो #AskDroneMan लिख के आप अपना सवाल कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पैकेज 15 शुरू होता है वशाला गांव के पास किलोमीटर 636+479 पे, और एंड होता है थाने के बिरवाड़ी गांव के पास किलोमीटर 664+479 पे। और 28 किलोमीटर का ये पैकेज इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे डिफिकल्ट हिस्सा है। जी हाँ, जियोग्राफिकली काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है इस सेक्शन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को पूरा करना, क्योंकि हर 2-3 किलोमीटर के बाद ही ग्राउंड लेवल चेंज हो रहा है यहाँ पे, और साथ में छोटे छोटे रिवर क्रॉस कर रहा है इस एक्सप्रेसवे को। और इस 28 किलोमीटर के पैच में टोटल 3 टनल्स आ रहे हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कितना डिफिकल्ट होगा इस पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करना। और इसी टिपिकल पैकेज का निर्माण कर रही है नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी, और मैंने ये पहले भी बोला है नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी ऐसी चैलेंजिंग जॉब्स के लिए जानी जाती है। तो चलिए अब देखते हैं प्रोग्रेस को और समझते हैं इस पैकेज में और कितना काम बाकी है। यह है पैकेज 14 का एंड पॉइंट किलोमीटर 636+479 पे वशाला गांव के पास, और इस वायलेट के एंड होते ही शुरू होता है पैकेज 15 का। और शुरू में ही आ रहा है एक टनल जिसका लेंथ है लगभग 250 मीटर, और प्रोग्रेस की बात करें तो दोनों ही साइड में टनल थ्रू हो चुका है, और अभी टनल के सीलिंग पे प्रोटेक्शन का काम चालू है। और ये जो आप मशीन देख रहे हैं इसी मशीन का इस्तेमाल करते हुए वो प्रोटेक्शन का काम किया जा रहा है, जिसके बाद दोनों ही टनल पे PQC लेइंग शुरू हो जाएगा। टनल को क्रॉस करने के बाद आपको कुछ पैचेस में PQC का काम कंप्लीट होते हुए दिख जाएगा। इस टनल को आप एक वाइल्ड लाइफ पासेस के हिसाब से भी देख सकते हैं, क्योंकि टनल के ऊपर में इजीली एनिमल्स आ जा पाएंगे दोनों साइड से। फिर आगे बढ़े तो आप क्लियरली देख सकते हैं कितना अनइवन है ये लैंड, जिसके चलते काफी सारे मेजर और माइनर ब्रिजेस का निर्माण होते हुए दिख रहा है। जैसे यहाँ पे बैक टू बैक 2 मेजर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। और प्रोग्रेस की बात करें तो जहाँ एक ब्रिज पे अभी गडर इरेक्शन चल रहा है तो दूसरे पे डेक स्लैब का काम चलते हुए दिख रहा है। फिर यहाँ पे एक पब्लिक ओवरपास का निर्माण हो रहा है जो वसाला गांव को NH-160 के साथ कनेक्ट करती है, और प्रोग्रेस की बात करें तो आपको गडर इरेक्शन चलते हुए दिख जाएगा। फिर यहाँ पे एक वायरेट का निर्माण हो रहा है जिसका लंबाई है लगभग 1.9 किलोमीटर, और इस वायरेट की बात करें तो काफी ज्यादा हाइट पे बन रहा है ये वायरेट, क्योंकि अब जियोग्राफिकली देख सकते हैं काफी ज्यादा अनइवन सरफेस है यहाँ पे लैंड का। साथ में यहाँ पे क्रॉस कर रहा है वत्सर रिजर्वर का एक छोटा सा चैनल भी। और सही मायने में बोला जाए तो इस पैकेज का डिले होना काफी लाजमी है, क्योंकि जब इतनी हाइट पे किसी स्ट्रक्चर का निर्माण हो तो बहुत ही ज्यादा सेफ्टी को ध्यान देते हुए करना पड़ता है। और ड्रोन के व्यू से तो काफी अच्छा लगता है ये सब देखना, बट नीचे से देखे तो काफी डरावना है ये। खैर, प्रोग्रेस की बात करें तो शुरू के कुछ स्पैन्स पे अभी पियर कैप का काम चालू है, क्योंकि इन पियर्स का हाइट काफी ज्यादा है। फिर बीच के स्पैन्स पे पियर कैप बन चुका है और गडर इरेक्शन चालू है, जहां आखिर के स्पैन्स पे अभी डेक स्लैब का काम चल रहा है। फिर आगे आपको कुछ दूरी तक अर्थों का काम चलते हुए दिखेगा, और उसके आगे कुछ दूर तक
पीक्यूसी लेन हुआ है, लेकिन फिर से आता है और एक मेजर ब्रिज जहां पे लेफ्ट साइड का डेक स्लैब बन चुका है, तो राइट साइड पे अभी आखिरी स्पैन में काम चालू है। फिर वापस यहां पे एक पब्लिक ओवरपास का निर्माण किया जा रहा है जो NH-160 में जाके कनेक्ट होता है, और यहाँ पे कुछ 1 किलोमीटर के आसपास पीक्यूसी लेन हो चुका है। लेकिन थोड़ी दूर में फिर से आता है एक मेजर ब्रिज जिसके दोनों साइड में डेक स्लैब का निर्माण हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक ब्रिज का निर्माण हो रहा है जहाँ पे राइट साइड का स्लैब बन चुका है और लेफ्ट साइड में काम चालू है। फिर सिरोल के पास किलोमीटर 647+980 पे फिर से एक टनल का निर्माण किया जा रहा है। इस टनल का लेंथ है लगभग 1 किलोमीटर, और प्रोग्रेस की बात करें तो दोनों ही साइड पे टनल थ्रू हो चुका है और PQC भी लेइंग कर दिया गया है। अभी बस फिनिशिंग का काम चालू है। टनल को क्रॉस करने के बाद कुछ कुछ पैचेस में अभी DLC लेइंग चालू है, लेकिन फिर से थोड़ी ही दूर जाने के बाद यहाँ पे आता है और एक ब्रिज जो फिर से लगभग 1 किलोमीटर लंबी है, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि हर 2 से 3 किलोमीटर जाने के बाद बाद ही एक न एक ब्रिज आई जा रहा है, जो ये दर्शाती है कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट है ये सेक्शन। खैर, प्रोग्रेस की बात करें तो बीच के 3 स्पैन छोड़ के बाकी हिस्से में डेक स्लैब तक काम हो चुका है, और आप देख सकते हैं बचे हुए स्पैन में अभी डेक स्लैब का कास्टिंग भी चल रहा है। ब्रिज को क्रॉस करने के बाद छोटे छोटे पैचेस में अर्थवर्क, GSB और DLC जैसे एक्टिविटी का काम चलते हुए दिख जाएगा। फिर चंदे गांव के पास किलोमीटर 656+480 पे और एक मेजर ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जहां पे दोनों ही साइड पे डेक स्लैब कंप्लीट हो चुका है, और राइट साइड पे आपको बिटुमेन रोड का भी लेइंग शुरू होते हुए दिख जाएगा। ब्रिज को क्रॉस करने के बाद कुछ कुछ हिस्से में आपको PQC लेइंग होते हुए दिख जाएगा, जहां अभी भी कुछ पैचेस में अर्थवर्क के लिए इन एरियाज को फ्लैट किया जा रहा है। और थोड़ा आगे बढ़े तो फिर से PQC का काम कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, और बिरवादी गांव के पास यहां पे आता है और एक टनल जिसका लेंथ है लगभग 970 मीटर, और प्रोग्रेस की बात करें तो दोनों ही साइड पे टनल थ्रू हो चुका है, और यहीं पे टनल क्रॉस करने के बाद एंड हो रहा है पैकेज 15 का, और फिर शुरू होता है पैकेज 16 यानी इस एक्सप्रेसवे का आखिरी पैकेज, जिसका निर्माण का काम फिर से कर रही है नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी। तो पैकेज 15 की प्रोग्रेस को समराइज करें तो आपको ज्यादातर हिस्से पे स्ट्रक्चर्स का काम चलते हुए दिख जाएगा, और छोटे छोटे पैचेस में PQC भी लेइंग हुआ है और हो भी रहा है, और टोटल 3 टनल आते हैं इस 28 किलोमीटर के पैकेज में, और तीनों टनल ही थ्रू हो चुका है दोनों साइड से। इट्स ऑब्वियस कि आपको प्रोग्रेस स्लो लगेगा, लेकिन ऐसी जियोग्राफिकली चैलेंज्ड एरियाज पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करना ही अपने आप पे एक चैलेंज है, जिसको नवयुगा जैसी कंपनी बखूबी निभा रही है, एंड आई होप कि हर एक काम सेफली कंप्लीट भी हो। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।